Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayaas Physics Classes, Dehradun. Chali bacho, so let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, a vessel of volume V is evacuated by means of a piston air pump. One piston stroke captures the volume delta V. How many strokes are needed to reduce the pressure in the vessel eta times? The process is assumed to be isothermal and the gas ideal. तो देखिए बच्चों, इस सवाल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक वेसल है जिसका वॉल्यूम V है. अब उसे हमें क्या करना है? इवैक्यूएट करना है एक पिस्टन एयर पंप की मदद से. एक स्ट्रोक में क्या करता है ये डेल्टा V है ना, डेल्टा V अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है वो ये कैप्चर करता है. अब हमसे बोला गया है कि कितने स्ट्रोक यहाँ पर रिक्वायर्ड है in order to reduce the pressure in the vessel eta times. मतलब शुरुआत में है ना, शुरुआत में मान लीजिए कि प्रेशर जो है वो P0 था लेट अस से, तो बाद में हम लोग क्या चाहते हैं कि प्रेशर कितना हो जाए, P0 अपॉन eta हो जाए इस वेसल के अंदर. और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक पिस्टन एयर पंप है जो एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम खींच करके बाहर निकालता है, डेल्टा V. ठीक है, अब देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ये समझना कि यहाँ पर जो पिस्टन एयर पंप है ना, ये एग्जैक्टली वर्क किस तरीके से कर रहा है. ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक वेसल था जिसका वॉल्यूम कितना था, V था. ठीक है, अब क्या करा गया, अब यहाँ पर इस तरीके से एक पिस्टन एयर पंप को इंट्रोड्यूस करा गया जो कि क्या कर रहा है, इवैक्यूएट कर रहा है इस वेसल को. और वो किस तरीके से कर रहा है, तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर पहले तो ये वॉल्व यहाँ पर क्लोज था. अब इस पिस्टन को यहाँ पर लाया गया. ठीक है, यहाँ पर बड़े आराम से लाया गया और ये इसका हैंडल मैंने बना दिया. ठीक है, अब इसे क्या करा गया, इस वॉल्व को यहाँ से फिर ओपन कर दिया गया. अब इस पिस्टन को पीछे खींचा गया, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से जो है ना, यहाँ से जो गैस है वो अब इस राइट वाले चेम्बर में एंटर करना चालू कर देगी, है ना. जैसे जैसे पिस्टन राइट की तरफ जगह बनाएगा तो क्या होगा, अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो गैस पहले V वॉल्यूम में थी अब वो V प्लस डेल्टा V वॉल्यूम में आ जाएगी. अब फिर यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, इसे लेटर से क्लोज कर दिया जाएगा. ठीक है, इसे क्लोज कर दिया गया, फिर इस पिस्टन को है ना, ये पिस्टन को मान लीजिए निकाल दिया गया बाहर. और यहाँ पर फिर से जो है हम लोग समझ पा रहे हैं कि अब क्या हो गया, अब जगह खाली हो गई. अब क्या किया गया, अब पिस्टन को वापस से यहाँ पर लाया गया, है ना, यहाँ पर लाया गया. फिर क्या करा गया, फिर यहाँ पर ये वॉल्व ओपन कर दिया गया. अब उसके बाद सेकेंड स्ट्रोक में फिर से क्या हुआ, फिर से हम लोग समझ पा रहे हैं पिस्टन को राइट की तरफ खींचा गया. और ऑब्वियस है कि इस बार फिर से जो गैस है वो अभी V वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी, अब वो फिर से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगेगी, V प्लस डेल्टा V. फिर क्या किया जाएगा, अगेन यहाँ पर इसे क्लोज कर दिया जाएगा इस वॉल्व को. ठीक है, और यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं पिस्टन को बाहर निकाल करके यहाँ जो गैस ऑब्टेन हुई उसे बाहर निकाल दिया जाएगा. फिर से पिस्टन को यहाँ लाया जाएगा, है ना, और ये प्रोसेस जो है वो चलता ही जाएगा. क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये जो पिस्टन एयर पंप है वो वर्क कर रहा है. ऑलराइट, तो बच्चों मान लेते हैं सबसे शुरुआत वाली बात, जब हमारे पास सिर्फ क्या था, ये V वॉल्यूम का वेसल था. तो मान लेते हैं कि शुरुआत में जो वॉल्यूम था वो कितना था, P0 था. ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा, क्या किया गया होगा, पिस्टन को पहले यहाँ पर लाया गया होगा, फिर उसके हैंडल को पकड़ करके राइट की तरफ खींचा गया होगा ना, ऑब्वियस से पहले वॉल्व को ओपन कर दिया गया होगा ताकि यहाँ से गैस इस वाले चेंबर में जा सके. क्लियर है ये बात? तो अब देखिए क्या हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर, हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर कि जो गैस पहले V वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी वो V प्लस डेल्टा V वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी. तो हम लोग यहाँ पर बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे को क्या कहा गया है, यहाँ पर हमारे को कहा गया है the process is assumed to be isothermal. ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो बॉयल्स लॉ है ये पूरे के पूरे मास पर लगाया जाता है. जिस मास की आप शुरू में LHS में बात करें उसी मास की आप राइट हैंड साइड में भी बात करेंगे. तो पहले जो है ना, पहले जो गैस जो है वो V वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही थी और प्रेशर कितना था, P0 था. तो हम लोग शुरुआत में लिख सकते हैं P0 into V. यही गैस अब क्या कर रही है, V प्लस डेल्टा V वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है. तो लेटर से एक स्ट्रोक के बाद वॉल्यूम जो है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं वो तो कितना हो जाएगा, V प्लस डेल्टा V हो जाएगा. और प्रेशर जो है वो कितना हो जाएगा, लेटर से P1 हो गया ना, P1 का मतलब फर्स्ट स्ट्रोक के बाद प्रेशर. अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम जो ये जो वॉल्व है उसको क्लोज कर दिया जाएगा, फिर ये जो गैस ऑब्टेन हुई उसको बाहर निकलने का मौका दिया जाएगा पिस्टन को बाहर निकाल करके। ठीक है, अब वापस से क्या करा गया, पिस्टन को यहाँ पर लाया गया है ना, पिस्टन को यहाँ पर लाया गया। अब जो है इस वॉल्व को ओपन कर दिया गया। अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ का प्रेशर जो है वो P0 नहीं रहा बल्कि कितना हो गया, P1 हो गया। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं P1 × V, ये किसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अब फिर से वॉल्यूम जो है वो चेंज होकर के कितना हो गया, जिसमें ये गैस ऑक्यूपाइड है वो हो गया V + ΔV, और यहाँ पर अब हम लोग क्या लिख देंगे P2, मतलब प्रेशर आफ्टर द सेकेंड स्ट्रोक। ठीक है, तो यहां से देखिए हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर फर्स्ट स्ट्रोक के बाद की बात करें तो P1 कितना हो गया, वो हो गया P0 × V/V + ΔV की पावर 1। इसी तरीके से P2 कितना हो गया, वो हो गया P1 × V/V + ΔV, और P1 की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, P0 × V/V + ΔV की पावर 2। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पैटर्न एक बनता जा रहा है, जैसे फर्स्ट स्ट्रोक के बाद यहाँ पर पावर 1 है, सेकंड स्ट्रोक के बाद यहाँ पर पावर 2 है। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि nth स्ट्रोक के बाद प्रेशर जो है ना Pn, वो कितना हो जाएगा P0 × V/V + ΔV रेज़्ड टू द पावर n। क्लियर है ये बात। तो अब जैसा कि हमसे सवाल में कहा गया है, हमसे कहा गया है कि प्रेशर जो है आफ्टर n स्ट्रोक कितना हो जाना चाहिए, है ना, इनिशियल का ईटा टाइम्स कम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे Pn = P0 / η, सो दिस शुड बी इक्वल टू P0 × V/V + ΔV रेज़्ड टू द पावर n। तो यहाँ से P0 से P0 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है बात। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 / η = V/V + ΔV रेज़्ड टू द पावर n। अब हम लोग इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, क्योंकि हमारे को n को है ना नीचे उतारना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ln of 1 / η = n × ln of V / V + ΔV। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें हमारे को n मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ln of 1 / η / ln of V / V + ΔV। क्लियर है। इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम लोग करना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n = ऊपर और नीचे दोनों को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ln of η / ln of V + ΔV के बराबर। क्लियर है बात। दोनों ही बेसिकली पलट गए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास N = ln of η / ln of 1 + ΔV/V के बराबर। ठीक है, तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है बात। आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।